आप सभी को मेरा एकल प्रणाम। अष्टम उराव यह सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि पहचान है। पहचान है कामयाबी की, मेहनत की, लगन की और दुनिया पर छा जाने के अपने जुनून की। अष्टम भारत की अंडर 17 फुटबॉल टीम की कप्तान रही हैं और अब महिला भारतीय फुटबॉल टीम का हिस्सा हैं। परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। माँ और पिता दोनों मजदूरी करते थे ताकि अष्टम और उनके चार और भाई बहनों का पेट भर सके। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है। अपने पैरों के जादू से फुटबॉल की दुनिया पर छा जाने के अष्टम के सपनों की उड़ान को एकल विद्यालय ने पंख लगा दिए। मेरी शुरुआती की पढ़ाई एकल विद्यालय से शुरू हुआ था। इस विद्यालय में पढ़ाई करके मुझे काफ़ी सारी मदद मिली है। इस विद्यालय के आचार्य जयंती मैम थे। यहाँ पर हमें पेन कॉपी भी फ्री में पढ़ाया जाता था और इस विद्यालय के कारण ही मेरा प्रारंभिक शिक्षा अच्छे तरीके से प्राप्त हुई। अष्टम के घर के करीब ही ये एकल विद्यालय 1998-99 से चल रहा था, जो देश के दूसरे हिस्से के बच्चों की तरह ही इस गांव के हर बच्चे को पढ़ने लिखने, खेलने कूदने, सीखने और जिंदगी में आगे बढ़ने का हुनर सिखा रहा था। बस फिर क्या था, एकल विद्यालय ने अष्टम का हाथ ऐसा थामा कि फुटबॉल के मैदान पर उनका हुनर निखरता गया और वो कामयाबी की मंजिल की ओर एक एक कदम बढ़ाती गई। एकल विद्यालय में पढ़ाई करके मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई है, लेकिन अभी मेरी ज़िंदगी में कई प्रकार की कठिनाइयां बाकी है और मैं चाहती हूं कि इन सारी कठिनाइयों को पार करूं और अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो पाऊं। और फिर वो लम्हा भी आया जब अष्टम ना सिर्फ भारत की जर्सी में बल्कि लाखों लोगों की मौजूदगी में स्टेडियम में मैदान के बीचों बीच खड़ी थी और फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप में टीम की कप्तानी कर रही थी। अष्टम को आज भी याद है कि कैसे बिना किसी फीस के एकल विद्यालय ने उन्हें पढ़ने लिखने, खेलने कूदने और अपने फुटबॉल के हुनर में रंग भरने का मौका दिया। अष्टम को गुमला की बेटी के तौर पर जाना जाता है। एक सड़क भी उनके नाम पर बन रही है। वो किशोरी समृद्धि योजना के लिए गुमला जिले की ब्रांड एम्बेसडर है। सिर्फ अष्टम ही नहीं, एकल विद्यालय में पढ़ चुकी उनकी एक और बहन अब एथलेटिक्स की दुनिया में नाम कर रही हैं। भारतीय फुटबॉल टीम की हिस्सा बन चुकी अष्टम मानती हैं कि एकल विद्यालय से बदली जिंदगी की राह में यह तो महज एक शुरुआत है, कई अहम पड़ाव अभी भी बाकी हैं।